सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र शेखावत, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के भूगर्भ शास्त्र विभाग का सहायक आचार्य। पूर्व कक्षा में हमने सैंडस्टोन तक का अध्ययन सेडिमेंटोलॉजी वाले पेपर में कर लिया था। आज हम शेल चट्टान के बारे में कुछ पढ़ेंगे। शेल्स जो होते हैं वे क्लासिक रॉक्स होते हैं, मेड अप मेनली फाइन सिल्ट क्ले, ठीक है ना। बहुत ही क्ले ग्रेड पार्टिकल्स, सिल्ट ग्रेड पार्टिकल्स से, बहुत सूक्ष्म कणीय पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे मिलकर के शेल बनी हुई होती है। दे आर मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवसादी चट्टाने हैं। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है छोटे प्रश्नों में, एक नंबर वाले जो आंसर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं शुरुआत में, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंटरी रॉक ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो उसका आंसर होगा शेल। ओके, दे आर मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंटरी रॉक अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ दैम। ये अवसादी चट्टानों के 80% के भाग का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। टोटल अवसादी चट्टानें जो भी है पृथ्वी की सतह पर, उनका 80% जो होता है वह अवसादी चट्टानें हैं। ऑफन कंटेन फॉसिल्स, इसमें अधिकांशतया फॉसिल्स मिलते हैं क्योंकि सॉफ्ट होती है ना। सॉफ्ट होती तो क्या होता है कि जो प्लांट के लीव्स के इम्प्रिंट्स इस पर बन जाते हैं, कभी कोई गैस्ट्रोपॉड होता है या फिर ट्रायलोबाइट्स होते हैं, ग्रेप्टोलाइट्स होते हैं। ग्रेप्टो का मतलब पता है ना, पिछली क्लासेस में हमने अध्ययन किया था। ग्रेप्टोलाइट, ग्रेप्टो का मतलब होता है राइटिंग और लिथो का मतलब होता है स्टोन। ऐसे फॉसिल जो कि किसी स्टोन पर किसी राइटिंग की तरह दिखाई दें, उन्हें हम ग्रेप्टोलाइट्स कहते हैं। और ये सामान्यतः हमें शेल जैसे चट्टानों पर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम मोस्टली ब्लैक शेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्लैक का मतलब ये होता है कि एनऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट को बता रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम ब्लैक शेल्स कहते हैं। और ब्लैक शेल में आपके क्या रहता है कि जो ब्लैक शेल चट्टानों का उपयोग, यदि उनमें ग्रेप्टोलाइट्स पाए जा रहे हैं या ट्रायलोबाइट्स पाए जा रहे हैं, तो उनको हम देखते हैं, उनका उपयोग जो होता है वह ये अपने ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी होता है बाय द पेट्रोलियम कंपनीज, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ब्लैक शेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट इन कंपोजिशन। संगठन जो होता है अधिकांशतया हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है फ्रॉम वेदर फेल्सपार, ठीक है ना। फेल्सपार का जो अंतिम रूप होता है वह क्या होता है, क्ले, ठीक है। फेल्सपार जब वेदर्ड होती है तो वेदर्ड होकर के वह क्ले का निर्माण करती है। इसका जो डिपोजिशन हो रहा है वह लो फ्लूविल रिजीम के अंदर होता है। फ्लूविल का मतलब आपको पता है, वे डिपॉजिट जो कि नदियों की तरह बनते हैं उन्हें फ्लूविल डिपॉजिट्स कहते हैं, और अंडर द वीक वाटर करंट, ठीक है। और जो कि बहुत ही हल्के वाटर करंट के, कमज़ोर वाटर करंट के अंदर बनते हैं उन्हें हम, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट जो सेडिमेंट होते हैं उनके लिए क्या होता है कि बहुत ही कमज़ोर वाटर करंट की आवश्यकता होती है, वो आपको क्या कहता है कि लो फ्लूविल रिजिम के अंदर ही मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, ऑफशोर अथवा ऑफशोर के अंदर, ठीक है। ऑफशोर का मतलब होता है तट से थोड़ा सा दूर, बट नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द शोर। और इन लगून, लगून क्या होती है, लगून क्या होता है कि एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कि क्या है कि शोर के जस्ट पीछे होती है, ठीक है ना। शोर के पीछे होती है लेकिन उसका कनेक्शन जो होता है वह सी के साथ में रहता है,
ठीक है, उसको वाटर सप्लाई जो होती है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? नहीं एक मिनट, ऐसा जो लगून होता है लगून में वाटर सप्लाई नहीं होती, जबकि एश्चुरी जो होती है उसमें वापस वाटर सप्लाई होती है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है ना, तो लगून वैसे भी अगर वाटर सप्लाई नहीं होगी तो उसमें क्या होगा कि अपने ये ब्लैक शेल जैसे एनवायरनमेंट बनता है या फिर आपके एनोक्सीजेनिक एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एश्चुरी जो होती है उसका कॉन्टैक्ट तो किससे होगा, वह प्रॉपरली सी के कॉन्टैक्ट में रहती है, जबकि ये जो लगून होती है लगून टोटली डिटैच होती है फ्रॉम द ओशन। ठीक है, दोनों में अंतर आ सकता है तो आप देख लीजिए। शेल्स आर मेड अप ऑफ फाइन वेल सॉर्टेड सिल्ट एंड क्ले सेडिमेंट। ठीक है, शेल का निर्माण जो होता है ना बहुत ही सूक्ष्म वेल सॉर्टेड, सॉर्टेड मतलब छटनी, ठीक है ना, सिल्ट एंड क्ले सेडिमेंट से हुआ है। नॉर्मली वन कैन एक्सपेक्ट हाई पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पर निश्चित अगर सॉर्ट सेडिमेंट है तो क्या होता है कि पोरोसिटी तो हाई होगी ही और परमेबिलिटी हाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, मोस्टली क्ले के अंदर क्या है कि परमेबिलिटी हाई नहीं होती, ठीक है ना, बट ड्यू टू सरफेस टेंशन फिनोमेनन ऑफ वाटर एंड एक्सट्रीमली फाइन इंटरग्रेनुलर स्पेसेस शेल्स आर इम्परमेबल। ठीक है, जैसा कि ये बताया गया है आगे नेक्स्ट नेक्स्ट में, बट क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है ना, एडेशन एडेशन पाया जाता है, जो दो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो पार्टिकल के मध्य जो वाटर मॉइस्चर होता है बेसिकली एडेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, उसको वहाँ से बाहर निकालना इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द शेल्स और क्ले सेडिमेंट्स। ठीक है ना, ठीक है ना, एक्सट्रीमली फाइन इंटरग्रेनुलर स्पेसेस होते हैं शेल्स के अंदर। ठीक है ना, तो अगर फाइन इंटरग्रेनुलर स्पेसेस होंगे तो निश्चित रूप से उनका इंटरकनेक्शन बहुत ही कम रहता है। ठीक है ना, तो इंटरकनेक्शन नहीं रहेगा तो परमेबिलिटी नहीं ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो उनको इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इम्परमेबल कंसिडर करेंगे। हैंस डज नॉट यील्ड वाटर व्हेन ट्रैप्ड। ठीक है ना, तो इसमें से पानी आप नहीं निकाल सकते हो, जब यदि आप इसको टैपिंग करोगे तो भी क्या है कि इसमें से पानी नहीं निकलेगा, बजाय कि लाइमस्टोन और सैंडस्टोन के, जिसमें से आप इजीली पानी निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है पोरोसिटी अधिक होती है, साथ ही परमेबिलिटी अधिक होती है, और क्योंकि इंटरकनेक्शन अधिक अच्छा होता है उनमें, उन चट्टानों में, इनमें इंटरकनेक्शन अच्छा नहीं होता है। दैट्स द रीज़न दे आर इम्परमेबल एंड दे आर कॉल एक्वीफ्यूज। दैट इज़ अ स्पेसिफिक टर्म इन द हाइड्रोजियोलॉजी फॉर द क्ले एक्वीफर्स। ठीक है, तो क्ले एक्वीफर के लिए हाइड्रोजियोलॉजी में क्या है कि एक अलग टर्म है जिसे हम एक्वीफ्यूज कहते हैं। फ्यूज मतलब संकलित हो चुका, फ्यूज हो चुका वाटर जो होता है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, और एक्वीफर जो होता है, फर का मतलब ये होता है कि आप ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है ना, एक्वी का मतलब होता है वाटर और फर का मतलब होता है ट्रांसमिट होने वाला। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मेशन जिसमें वाटर का ट्रांसमिशन ईजिली हो जाए तो उसमें एक्वीफर कहते हैं, और ये होता है एक्वीफ्यूज होता है। एक एक्वीटार्ड भी होता है विद्यार्थियों, एक्विटार्ड उसे कहते हैं कि जैसे कि ग्रेनाइट होता है ना, तो उसमें से ना तो पानी अंदर जा सकता है ना उसमें से पानी बाहर निकाल सकते हो। तो पानी अंदर नहीं जाएगा तो पानी बाहर कैसे निकालोगे, ठीक है ना, तो ग्रेनाइट को हम एक्विटार्ड कहते हैं, सैंडस्टोन को एक्वीफर कहते हैं, और एक्वीफ्यूज कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी इम्पोर्टेंस, अगर देखी जाए सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस। व्हेन शेल्स आर सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक है, जब शेल्स होती है ना वाटर से सैचुरेटेड होती है, संतृप्त होती हैं, मीन्स दे आर फुल ऑफ वाटर, अंडर प्रेशर दे आर लाइकली टू प्रोड्यूस स्लिपरी फाउंडेशन। ठीक है, तो
वो निश्चित रूप से यदि सैचुरेट होगी तो स्लिपरी फाउंडेशन का निर्माण करेगी। वो फाउंडेशन क्या होगा कि उसमें से दे वुड बी द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ क्लाई आउटक्रॉप विद रेस्पेक्ट टू सेंटर फिशर और सेंटर क्रैक्स, ठीक है ना। तो जब भी आपके यहाँ पर नीचे की ओर यदि क्ले कोई चट्टान है और वह सेचुरेटेड है वाटर के साथ में, तो निश्चित से सी प्रोजेक्ट उसके नीचे शुरू नहीं किए जा सकते। तो ऐसी चट्टान, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर बांध बना दोगे, इफ़ यू विल कंस्ट्रक्ट अ टनल और डैम और सम हाईवेज, देन इट वुड बी अ डेफिनेटली अ डिजास्टर्स इट वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर द दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो निश्चित से उसका जो जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए एक डिज़ास्टर साबित होगा। जैसे कि आपको कल बताया था, कोयना डैम ऐसा उदाहरण है भारत का, महाराष्ट्र में और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी एक उदाहरण था। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखा, लफायत डैम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन आर्जिलेस रॉक संक बाय 20 फिट, ठीक है। जो आर्जिलेस रॉक पर बना बना हुआ था लफायत डैम यूनाइटेड स्टेट्स का, वह धंस गया करीब 20 फीट का, 20 फीट नीचे वह धंस गया। इसलिए ऐसी चट्टानों पर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए जा सकते। और इसलिए क्या होता है कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इसी जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है पूरे क्षेत्र का, और जो कंसर्न जियोलॉजिस्ट होता है वह अपनी रिपोर्ट जो सिविल इंजीनियर्स होता है उनको देता है कि वेदर दिस साइट इज़ सूटेबल फॉर द रेस्पेक्टिव सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और नॉट। ओके, जैसे कि श्री साइलम डैम इन आंध्र प्रदेश, वन ऑफ द 12th लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द इंडिया, फेस सिमिलर प्रॉब्लम। हाउएवर प्रिकॉशंस वर टेकन बाय ग्राउटिंग टू स्टॉप द सीपेज अलॉन्ग द फ्रैक्चर जोन, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के श्री सैलम के अंदर इसी प्रकार का एक हुआ था, जो आपने जो गवर्नमेंट के द्वारा बना दिया गया था इसी प्रकार की चट्टान पर, लेकिन और वह धंसने लगा, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर फिर उसमें जो कंक्रीट होती है कंक्रीट को डाला गया उसके जो चट्टान के जो बेस फाउंडेशन था उसके क्रैक के अंदर, ताकि जो वीक जोन है वह आगे ना बढ़े और ये प्रोजेक्ट बच जाए। बिकॉज ऑफ इट्स इम्परमेबल एंड पोरस नेचर इट एक्ट एज कैप रॉक इन द अकरेंस ऑफ ऑयल एंड गैस। क्योंकि ये इम्परमेबल चट्टान है, पानी इसमें से बाहर नहीं जा सकता, तेल इसमें से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो एक बार जो चीज़ इसके अंदर आ गई वो इसमें से बाहर नहीं निकाली जा सकती, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही पोरस नेचर का होता है और ज़ीरो बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल परमेबिलिटी होती है। इसलिए क्या होता है कि ये कैप्रो की तरह कार्य करता है। कोई भी तेल का जो कुआ होता है वो उसमें जो मुख्य रूप से जो ऑयल पाया जाता है वह सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन जैसी चट्टानों में पाया जाता है, जिसमें इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और ऑयल जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जैसे सैंडस्टोन लाइमस्टोन, ठीक है। और ऑयल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकने के लिए क्या होता है कि उन चट्टानों पर कैपरॉक होती है, ठीक है ना। और जो कैपरॉक होती है वह इस प्रकार की क्ले की होती है या सिल्ट की ग्रेड पार्टिकल्स की चट्टानों की होती है, जो कि उसको आगे जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द कैप रॉक इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। बाड़मेर के जो तेल ऑयल रिफाइनरी सेक्टर है, जो क्षेत्र है तेल क्षेत्र, बाड़मेर तेल क्षेत्र, वहाँ भी इसी प्रकार की कैप रॉक पाई जाती है। एवेपोरेटिक रॉक्स मतलब जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा बनी है, पानी के जो सलाइन वाटर होता है या फिर जो मराइन वाटर होता है उसके
यूप्रेशन से जो चट्टाने बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूप्रेटिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड विद इन द डिपोजिशन बेसिन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस डिजॉल्व इन द सी वाटर और लेक वाटर। ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस सी वाटर या लेक वाटर के अंदर डिजॉल्व है उसके यूप्रेशन के द्वारा जो चट्टाने बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूप्रेटिक रॉक्स कहा जाता है। ठीक है ना, जैसा कि जिप्सम है, फर्स्ट ईयर में आपने देखा भी था, पढ़ा भी है, CH4O2H2 होता है। ठीक है ना, हेलाइट होता है, NaCl होता है, सिल्वाइट होता है, सिल्वाइट का फॉर्मूला KCl होता है विद्यार्थियों। हेलाइट मतलब NaCl और सिल्वाइट मतलब KCl। ठीक है, और भी कई प्रकार की चट्टान होती है एवपोराइट में, जैसे कि एक चट्टान होती है कार्नलाइट, जिसे चट्टान कहते हैं कार्नलाइट, तो वह भी क्या कॉटन बॉल्स की तरह होती है और इवेपोरेशन के द्वारा बनती है। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इवेपोराइट। ठीक है ना, साल्ट, अदर देन डेली यूज ऑफ साल्ट फॉर कुकिंग इट इज़ यूज्ड। ठीक है, जैसे कि सेंधा नमक आप यूज़ करते हो घर पर, काला नमक यूज़ करते हो, तो वह भी एक प्रकार की चट्टान ही है। ठीक है ना, तो उसे हम रॉक साल्ट कहते हैं। उसका उपयोग साथ में पेपर प्रोडक्शन में भी किया जाता है, सोप प्रोडक्शन में किया जाता है साल्ट का इस्तेमाल, डिटर्जेंट बनाने में भी साल्ट का इस्तेमाल होता है, एंटीसेप्टिक बनाने में, एज केमिकल फॉर डाइंग, जो डाई इसे कहते हैं, डाई बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जिप्सम इज़ यूज फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की आपने देखी होगी मूर्तियाँ बनाई जाती है फाइन आर्ट्स के अंदर, और दूसरा वो क्या होता है, जिप्सम होता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल के निर्माण में से यूज होता है जिप्सम से। आप मेनली जो भी ये जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर जिप्सम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोनेट चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।